मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे महानगर पालिका ने आज एक अवैध रूप से बन रही इमारत पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इस इमारत की छठवीं और सातवीं मंजिल पर कार्रवाई की गई। मनपा अतिक्रमण विभाग के जितेंद्र सावले और अमित गडकरी ने रोजरी स्कूल के पीछे और मित्तल ग्राउंड के बगल में बन रही इस इमारत पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान मुंब्रा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश आहिर भी मौजूद थे। हमारी संवाददाता सबिया हुसैन शेख ने महेश आहिर से क्या बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। सर, आज आप अनलीगल कंस्ट्रक्शन का काम मतलब तोड़ू कार्रवाई कर रहे हो, तो बता सकते हैं आप कहां तक की ये कार्रवाई जारी रहेगी? ये कार्रवाई आखिर तक, जब तक मैं यहां हूं तब तक जारी रहेगी। इसके पहले भी कार्रवाई की है मैंने, आखिर तक रहेगी। जितने कंस्ट्रक्शन अभी कोड ऑफ कंडक्ट में मेरा स्टाफ इलेक्शन में बिजी है, उसका फ़ायदा लेकर जो चालू हुए या कोई ऑक्यूपाई बिल्डिंग के ऊपर बनाने शुरू किए, वो सब टूट जाएंगे। तो आप जिस तरीके से आज यहाँ की जो कार्रवाई कर रहे हो, लेकिन यहाँ के अगर जैसा अभी जो बिल्डर है यहाँ के, वो वापस से इसके ऊपर स्लैब चढ़ा के वापस से काम तो नहीं चालू करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसा नहीं होगा, उसकी पूरी ये करती जाएगी। क्योंकि कई जगहों पे हमने देखे, इसलिए बोल रहे हैं आप। ऑलरेडी ये बिल्डिंग के ऊपर भी तीन बार इसके पहले कार्रवाई की थी, कोई चालू नहीं करेगा। करेंगे तो हम लोग, हमारा डेली, मैंने अभी एक आदमी रखा हूँ इसके लिए मेरे स्टाफ का, जो रोज जहाँ पे कार्रवाई की गई वहाँ पे जाके देख के रोजाना रिपोर्ट करेगा। मुमरा के लोगों का कहना है कि जो अनलीगल कंस्ट्रक्शन का जो काम हो रहा है, ठीक है, वो तोड़ू कार्रवाई जो आए सर कर रहे, वो कहीं ना कहीं दिखावे का काम कर रहे, इस पर आप क्या कहोगे? इस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे अभी यहाँ आके 11 महीने हो गए। मुमरा में ये 11 महीने में सबसे ज़्यादा तोड़ू कार्रवाई इंक्रोचमेंट के ऊपर, इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर, पुलिस केसेस करना, डिमोलिशन करना, सबसे ज़्यादा आज तक मुमरा के इतिहास में कभी नहीं हुई। मेरा काम बोलता है, मैं मेरे मुंह से कुछ मेरे काम के बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ। ये है, ये दिखावे की नहीं है। इसके बाद भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसके पहले भी हुई और इसके बाद भी हो जाएगी। वहीं महेश आहिर का कहना है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध निर्माण करने वालों पर गुनाह भी दाखिल किया जाएगा। पिछले कई दिनों से इसी तरह से मनपा सहायक आयुक्त महेश आहिर के निर्देश पर मुंब्रा में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जारी है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।